Assalamu alaikum, dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last angiospermic family, that is family poesy or the grass family. So let's move to the glass board. So, dear students, family, the last family, angiospermic family, poesy. Which is also called as uh, grass family. Commonly, it is also called grass family or gramine. Uh, basically, a word ye Latin grammar say a word. फ्रॉम लैटिन ग्रामर उसमें एक जेनैरिक नेम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया एज ए जेनेरिक नेम जेनैरिक मीन्स जो जीनस के लिए इस्तेमाल होता हो क्लियर सो जो मुख्तलिफ तरह की ग्रास फैमिलीज थी उनके जेनेरिक नेम के तौर पर यानी कि जो फर्स्ट नेम होता है साइंटिफिक नेम जो बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है तो उसमें आ, इसको इस्तेमाल किया गया ठीक है वो ग्रामिनी से ठीक है ये इसको ग्रास कहते हैं जिसको सो इट्स ए जूनैरिक नेम ग्रैमिनी फॉर ग्रासेस ठीक है उसके लिए एक ये प्रिफिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया वहीं से ये डिराइव हुआ है ये वर्ड ग्रामिनी और पोआ यानी जो फैमिली है इसकी पोएसी जो बेसिकली बोटेनिकल जो कम्युनिटी है जो इसके लिए बाकायदा जो यूनियन है उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन इन्होंने इसका बाकायदा तौर पर इसको इस्तेमाल करवाया मुख्तलिफ तरह के आ, जो रूट्स को लेकर के जैसे कि पोआ लिन इसका यूज़ बताया तो पोआ से पोए सी ठीक है तो इस तरह से कुछ इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की गई तो इसका नाम रखा गया पोए सी अब आते हैं इसके जिनारा की तरफ मतलब का जीनस इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सो ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर सिक्स हंड्रेड जुनैरा पूरी दुनिया में इस फैमिली के 600 सौ के जीनस हैं या जुनेरा हैं और पाकिस्तान में वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू आर फाउंड इन पाकिस्तान और uh, अगर इसके स्पीशीज uh, के हवाले से बात करें सो so, काफी ज्यादा स्पीशीज हैं अब तक जब हमने uh, जितनी फैमिलीज पढ़ी हैं उसके एतबार से देखा जाए तो काफी ज्यादा स्पीशीज इसमें मौजूद हैं ऑल ओवर दर्ल्ड दे हैव टेन थाउजेंड स्पीशीज दस हजार स्पीशीज अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान में फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी टू स्पीशीज आर प्रेजेंट क्लियर तो चलिए स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है जेनर और स्पीशीज के बाद दैट इज द दियर प्लांट्स इसमें फेमिलीयर प्लांट्स कौन कौन से हैं तो डियर स्टूडेंट जितनी भी फैमिली अब तक हमने पढ़ी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली कमर्शियली देखा जाए तो ये वाली फैमिली सबसे आगे है ठीक है ये बेसिकली हमारी खुराक से रिलेटेड है हमें हमारी जो खुराक है वो इस फैमिली में ज्यादातर पाई जाती है क्लियर सो फैमिलियर प्लांट्स ना सिर्फ इंसान बल्कि जो एनिमल्स हैं कौन से एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी भी खुराक इसी फैमिली से जो है वो वाबस्ता है सो फैमिलियर प्लांट्स इंड क्लोज द ट्राइटिकम वलगेर गंदुम और व्हीट जिसको हम कहते हैं ठीक है तो हर कोई रोटी तो खाता ही है ठीक है तो रोटी से दैट इज ट्रैटिकम वोलगेर इसी तरह से हॉर्डियम वोलगेर दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले जौ जिसको हम कहते हैं जौ तो यह भी इस्तेमाल होता है अनाज के तौर पर ये सारे सीरियल क्रॉप्स हैं ठीक है थेके? और फिर इसी तरह से से टाइवा से टाइवा चावल और राइस वो इसी से बिलोंग करते हैं ठीक है तो देखें हमारी सारी खुराक इसमें जितने भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको हम खाते हैं वो इसमें मौजूद है इसी तरह से एवनस्ट टाइवा ड एज ओट्स जई बार्ले जौ को कहते हैं और ओट्स जई को कहते हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलती खुराके हैं ठीक है एक प्लांट हैं इसी तरह से बैंबूसा वलगेरिस बांस को कहते हैं बैंबू वो भी इसी से बिलोंग करता है ठीक है सैक्रम ऑफिशनैरम सेक्रम ऑफिशन दैट इज शुगर केन जिससे हमारी चाय मीठी होती है ठीक है इसी से चीनी बनती है तो ये सारी हमारे फूड के एतबार से जो प्लांट्स है वो इस फैमिली से रिलेटेड है इसी के अंदर मौजूद है इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं आगे चलकर डिस्कस करते हैं सो so, ये कुछ फैमिलियर uh, प्लांट्स जो के डिस्कस हुए नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप और द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फैमिली तो हम इसके बाद क्या डिस्कस करते होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्सिक्स तो में उसी तरह से तीन मिल चीजें जो हमने डिस्कस करनी होती हैं, सो प्लांट ठीक है so, सबसे पहले चीज प्लांट हैबिट, ठीक है और फिर उसके बाद हम उसके स्टेम्स और तीसरा लीव यही तीन चीजें पी एस एल प्लांट स्टेम एंड लीव्स, तो इसमें जो प्लांट्स हैं, आर Shrubs and mostly मोस्टली हर्ब्स ज्यादातर इसमें क्या मौजूद हैं हर्ब्स और जहाँ तक बात है ट्रीज की तो वो इनमें कम है ठीक है ट्रीज और क्लाइंबर्ट्स वगैरह इसमें कम होते हैं तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेटिव कैक्टर में हम लोगों तीन बातें डिस्कस करनी है प्लांट उसकी हैबिट दूसरा उसके स्टेम और तीसरा उसका लीव्स तो डिस्कस करते हैं पहले प्लांट हैबिट तो ज्यादातर इसमें हर्ब्स है ठीक है हर्ब्स और ट्रीज इसमें मौजूद आमतौर पर नहीं होती रेयर होते हैं श्रब्स थोड़े बहुत मौजूद हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम हर्ब्स से जो है वो पहचान पहचानते हैं हर्ब्स इसमें दो तरह की होती हैं। हर्ब्स दे आर एनुअल और पैरिनियल अच्छा ठीक है आगे चलकर भी शायद आ, डिस्कस हो ये बात तो प्लांट्स जो होते हैं वो उनको हम तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं एनुअल बाइनियल और पेरिनियल ठीक है एनुअल बाइनियल और पेरिनियल जहाँ पर एनुअल और पेरिनियल का जिक्र है एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनकी उम्र सिर्फ एक साल है मतलब एक दफ़ा आपने बो दिया पक गया फ्रूट आपने उसको काट दिया ख़त्म कहानी ख़त्म बाइनियल प्लांट्स इनकी उम्र दो साल तक होती है दो साल यानी कि आप दो ये दो साल तक फल दे सकते हैं और पेरिनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनकी उम्र दो साल से ज्यादा हो उनको हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं ठीक है तो ये कैटेगरीज होती हैं इनके लाइफ के एतबार से तो यहां पर एनुअल ज्यादातर एनुअल है और कुछ जोस में है वो पेरीनियल है ठीक है जिनकी उम्र दो साल से ज्यादा होती है और इफ यू टॉक अबाउट स्टेम अगर इनके स्टेम की बात करें तो स्टेम बड़ी डिफरेंट uh, सिचुएशन uh, में है इट इज हॉलो एट इंटरनोड्स जहां पर इंटर नोड होंगे वहां पर ये खाली होगी स्टेम इसकी एंड क्लोज एंड क्लोज एट नोड्स और जहां पर नोड होगी वहां पर बंद हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स आजकल तो जैसे न्यू जनरेशन है इन्होंने वो गेम नहीं खेली होगी एक काने हुआ करते थे पुराने जमाने में काने वो उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आपने बांस जैसे देखा हो तो बांस को यानी बैंबू को छोटा तो सा हिस्सा उसको मैंने ड्रॉ किया बैंबू का तो जब हम इसको काटते हैं यहां से तो दरमियान में से ये वाला हिस्सा क्या होता है खाली होता है उसका तो ये इसकी सारी क्या है ये स्टेम है तो ये वाला हिस्सा क्या लाता है इसका इंटर नोड और ये वाला हिस्सा क्या लाता है नोड दिस इज कॉल्ड नोड ये नोड होती है नोड दिस इज नोड और इनके दरमियान वाला जो इलाका या स्पेस है इसे कहते हैं इंटर नोड दो नोड्स के दरमियान जो स्पेस है ये जो एरिया उसे कहते हैं इंटर नोड तो इंटर नोड अंदर से क्या है खाली हॉलो और नोड के ऊपर क्या है ये क्लोज ढक्कन की तरह सो so होपफुली आपने देखा जब काने हुआ करते थे ठीक है और जो पुराने वक्तों में गेम खेला करते थे बाकायदा इससे लोग तो वो वो उसको भी जब ऐसे सेंटर से काटते थे न, नाइफ की मदद से तो वो इसी तरह से दरम्यान में से खाली और जगह जमुई के ऊपर उसकी जो नोड एरिया वो क्लोज होता था तो ये इस तरह से इनके स्टेम है ठीक है नाउ देर लीव्स इनके पत्ते तो लीव्स में भी काफ़ी वेराइटी मौजूद है यहां पर स्टूडेंट्स ये सबसे अगर कॉन्सेप्ट के हवाले से देखें तो सबसे डिफिकल्ट फैमिली है इसलिए इसको गौर से समझिएगा अगर ये वाले क्योंकि इससे प्रीवियस मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है मैंने फुल टाइम एक्सप्लेन किया आप लोगों को तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें इसको गोर, इसको गौर से सुनेंगे तो इनशाला बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए लीव्स की बात करें इनके पत्ते पत्ते इनके सॉलिटरी सॉलिटरी अगर आपने ये बांस को देखा हो तो इस तरह से एक एक पत्ता इस तरह से अटैच होता है इस तरह से एक एक पत्ता बेस के ऊपर इसे कहता है सोलिटरी ठीक है ये बेस के ऊपर एक एक पत्ता अटैच सोलिटरी कहते हैं या फिर दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट यहां पर वो पैटर्न भी आपने ऑब्जर्व कर लिया एक यहां पर मचूत है और उसके नीचे फिर एक दूसरा मचूत है दूसरी साइड पे इसे कहते हैं alternate leaves, अब तक तो रट चुका होगा आपको मैंने हर family में किया कि कि क्या क्या होते हैं इसके अलावा ससाइल मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं कि ऐसा पत्ता जिसकी आ, जो डंडी होती है उसके साथ स्टेम के साथ अटैच करने के लिए जिसको हम कहते हैं वो ना हो डायरेक्टली वो स्टेम के साथ अटैच हो तो उसको ठीक है ये पत्ता है ये पेटियोल के साथ अगर स्टेम के साथ अटैच हो तो ये सेसाइल नहीं कराएगा, ये पेटियोलेटेड कहलाएगा ठीक है और अगर पत्ता डायरेक्टली अटैच हो स्टेम के साथ और इसकी ये डंडी ना हो पेटियोल ना हो तो उसे कहते हैं ससाइल ठीक तो है तो इसके लीव्स क्या है ससाइल इसके अलावा इनके जो लीव्स होते हैं समटाइम्स दे आर इन क्लस्टर्स क्लस्टर्ड एट बेस ऑफ नोड्स नोट्स का आप देखें अब जो बांस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर बहुत ज्यादा ये पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं लाइक दिस या गन्ना आपने देखा हो ठीक है वाहद गन्ना एक ऐसी चीज है इस फैमिली से जो बिलोंग करता है जिसकी स्टेम हॉलो नहीं है ठीक है वो इस वो अंदर से आप गन्ना खाते हैं तो देखा होगा अपने अंदर से मौजूद है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर सॉलिड होता है तो उनकी बेस के ऊपर बेस के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो ग्रोइंग एरिया होता है ठीक है बिल्कुल नीचे जमीन के साथ वाला आमतौर पर वहां पर या फिर कुछ प्लांट्स में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पर बेस बेस जो नोड की बेस है वहां पर क्लस्टर की शक्ल में मौजूद होते हैं तो इस तरह से इनके लीव्स हैं अच्छा इनके अंदर एक और टर्म इस्तेमाल हुई है एक्स स्टिप्यूलेट एक्स स्टिप्यूलेटेड लीव्स है स्टिप्यूल मैंने बताया था आपको हर फैमिली में मैंने डिस्कस किया तो ये लीफ और लीफ की ये पेटियोल पेटियोल के साथ यहाँ पर कुछ आउट ग्रोथ होती हैं ठीक है थीके? इन आउट ग्रोथ को क्या कहते थे हम स्टिप्यूल्स जिस स्टिप्यू लीफ के साथ ये आउट हों जो कि पत्तों की नमा पत्तों की शक्ल की हो सकती हैं लीफ लाइक हो सकती हैं वो थॉर्न लाइक कांटों की तरह की हो सकती हैं स्केल लाइक हो सकती हैं ठीक है थीके? जो तो हमने पिछली फैमिली में पढ़ा उसमें थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनके सिर्फ स्टिप्यूल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स कांटो में तो यहां पर ये स्टिप्यूल्स आमतौर पर होती है प्लांट्स में लेकिन ये ऐसी फैमिली है जहां पर ये स्टिप्यूल्स नहीं है तो अगर स्टिप्यूल्स एबसेंट हो या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो नजर ही ना आती हो तो उसके लिए फिर वर्ड है यानी कि इनमें पेटियोल पहले बात है यानी कि तो इस वजह से इनके ऊपर वो आउटग्रोथ नज़र नहीं आती इस वजह से इनको कहते हैं एक्स स्टिप्यूलेटेड मतलब कि ये जो आउटग्रोथ नजर नहीं आते आती इसमें नो स्टिपल क्लियर सो दिपलेटेड एक और टर्म डी स्टूडेंट यहां पर इस्तेमाल हुई दैट इज लिग्यूलेट तो लिग्यूलेट आमतौर पर इसलिए टर्म इस्तेमाल होती है जहां पर ये पत्ते पत्ते सोलिटरी लीव्स ये बेस के ऊपर क्या होते हैं यहां पर अंदर से ऐसे कवर की तरह शीत की तरह होते हैं इसे कहते हैं शीत और बाजुकात जहां पर ये शीत बनती है यहां पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं लिग्यूल्स और ऐसे पत्ते को कहते हैं लिग्यूलेट और इस कवर को कहते हैं शीत तो इस वजह से इनके अंदर वो लिग्यूलेट लीव्स हैं यानी कि पत्तों के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक -like Uh, जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं एंड शीथिंग शीथिंग का मतलब शीथ कवर को कहते हैं तो ये लपेटते हैं नीचे बेस जो होती है वो लपेट लपेट लेती है वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फैमिली अब आते हैं अपने नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है दैट इज फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स तो असल चीज ये है इसके फ्लोरल कैरेक्टिक्स बहुत टेक्निकल है इसको समझिए और इनशाला गौर से सुनेंगे तो ये सारी आपको फॉरन क्लियर हो जाएगा तो इसके जो फ्लोरल हैं उसमें सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं inflorescence. इसकी inflorescence ही असल में समझने वाली ज्यादा है इनफ्लोरसेंस देखें तो ये कंपाउंड Spike है. It is compound spike. आ, compound स्पाइक है इट इज कंपाउंड स्पाइक इसके अंदर जितने भी प्लांट्स आमतौर पर मौजूद हैं वो कंपाउंड स्पाइक है कंपाउंड स्पाइक किसे कहते हैं ये सारे स्ट्रक्चर में आपको आ, तरीके के साथ निकाल कर दिखाऊंगा और इसको समझ लीजिए तो आपने गंदम का वो प्लांट देखा होगा तो ये रहा गंदम का प्लांट ठीक है और यहाँ पर ये पत्ते भी लगे हुए और यहां पर इसके एंड्स के ऊपर तो इसका यहां पर एंड के ऊपर लगा होता है एक सिट्टा देखा ना सिट्टा होता है तो सिट्टे को अगर देखें तो इसमें छोटे 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 इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं आपको याद है चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर एट में भी मैंने इसको ड्रॉ किया था जहां पर अपने लूस मोटाफीट पढ़ा था तो प्लांट को मैंने वहां पर भी ड्रॉ किया था तो गंदम का सिटा कुछ इस तरह से दिखता है आपको और ऊपर इस तरह से छोटे छोटे आपने ऑब्जर्व किया होगा तो डे स्टूडेंट्स इस पूरे एक को कहते हैं कंपाउंड स्पाइक स्पाइक आपने पढ़ा हुआ है जो कि ऐसे स्पाइक शेप्ड है इसमें स्पाइक्स नजर आ रहे हैं आपको बहुत सारे पर छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बनता है ये तो इस पूरे को कहते हैं कंपाउंड मतलब स्पाइक दिस इज कंपाउंड कंपाउंड मतलब मल्टीपल इसमें स्पाइकलेट्स मौजूद हैं इस पूरे एक को कहेंगे स्पाइक गंदम का एक पूरा सिट्टा कहलाएगा स्पाइक कंपाउंड स्पाइक इसमें छोटे 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 बहुत सारे चारों तरफ लगे होते हैं वो आ, कुछ स्ट्रक्चर्स अब उनमें से देखते हैं जरा एक को निकाल के तो स्पाइक बनता किससे है छोटे छोटे यूनिट्स से उनको कहते हैं स्पाइकलेट्स तो यहां पर ये छोटे छोटे आपको ये जितने भी नजर आ रहे हैं ये सारे ऑल दीज आर स्पाइकलेट्स इसमें से एक निकालते हैं बाहर तो ये एक कहलाएगा स्पाइकलेट एक स्पाइकलेट को अगर आप देखें ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगी इस तरह से ये एक स्पाइकलेट मैंने वहां से निकाली है दिस इज स्पाइकलेट ये पूरा स्पाइक था छोटे छोटे स्पाइकलेट से मिलकर बना हुआ दिस इज स्पाइक ठीक है और स्पाइकलेट अब जिस मेन ब्रांच पे ये स्पाइक अटैच है ये ब्रांच जिस पे स्पाइक अटैच है इसे कहते हैं रेचिस या रेकिस आपको पढ़ाया था पहले भी एडियंटा में तो ये रैकिस है अब इस रैकिस तो मेन आ गई मेन सेंट्रल एक्सिस आ गई अब जो एक्सिस यहां पर आपको छोटा सा बारीक सा वो इससे भी ज्यादा बारीक होता है जिसको जिसके साथ स्पाइकलेट अटैच है इसे कहते हैं रेकिला इसे कहते हैं रेकेला सिलेंडर बहुत सारा ये सेंट्रल एक्सेस जिसके साथ ये अटैच है पूरी स्पाइकलेट लाइट रेकेला और ये नीचे वाले इसके कहलाते हैं ये नीचे वाले ये लीव्स नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं दिज आर ब्रैकेट्स दिस आर ब्रैकेट्स ठीक है ये भी ब्रैकेट है ये भी ब्रैकेट है ठीक है ब्रैकेट और इसके ऊपर जो आपको ऐसे कांटे से नजर आते हैं इनको कहते हैं ऑन्स ऑन क्लियर अब इसको जरा खोल के देखेंगे स्पाइकलेट को खोल के देखेंगे इसमें है क्या इसी स्पाइकलेट को हम मजीद ओपन करके अब देखने लगे हैं कि वट डज इट कंटेन ये बातें टेक्निकल हैं समझ लीजिए इजी हो जाएगा याद करना तो जब हम इस स्पाइकलेट को ओपन करते हैं ये ऊपर वाला सारा हिस्सा ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये वाला इसे हम कहते हैं फ्लोरेट कॉल्ड फ्लोरेट चले अब यहां पर देखते हैं तो ये रहे इसकी ओवरी गोशियम और ये फेदरी होती है इसके ऊपर पंख की तरह की छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर ये इसके ऊपर स्टिग्मा और यहीं से निकलते हैं द एंड्रोशियम ये तीन सेट पे तीन सेट और ये रैकेला जिसके ऊपर अटैच है अब अगली बात है स्टूडेंट्स, वो थोड़ी सी समझने वाली अब इसके गिर्द एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है बड़ा सा ब्रैकेट है इस तरह से। और इसके ऑपोजिट साइड पे भी एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है उसको मैं डिफरेंट कलर से शो करूंगा इस तरह से लाइक दिस ठीक है और इसके नीचे रेकिला के साथ ये रेकिला इसके साथ नीचे अटैच हैं दो और ब्रैकेट्स ये वाले ठीक है और इसके साथ यहां पर पिंक कलर के पत्तों की तरह का मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ ये वाला एक और इसके नीचे एक और ये दो वैसे ये तीन भी हो सकते हैं लेकिन मैंने चले यहाँ पे दो ड्रॉ किए हैं आमतौर पर दो होते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को तो आइए इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ तो ये सेंट्रल एक्सिस सिलेंडर सा इसे क्या कहते हैं रैकेला और यह हमने सिर्फ यहाँ से एक उखाड़ा जिसके साथ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इसको रैकिस और जिसके साथ स्पाइकलेट अटैच है इस मेन ब्रांच के साथ उसे कहते हैं रकेला अब नीचे वाले दो ब्रैकेट्स ये वाले ग्रीन कलर के जो मैं यहाँ पर ड्रॉ किए इन ब्रैकेट्स को कहते हैं ग्लूम्स ग्लूम्स और ये खाली हैं ठीक है दीज आर द लोअर टू ब्रैकेट्स एक ये और एक ये द लोअर टू ब्रैकेट्स आर कॉल्ड ग्लूम्स ठीक है विच आर एम्प्टी और ये अंदर से खाली है सिर्फ कवर की तरह है विच आर एम्प्टी क्लियर अब आज ऊपर उसके ऊपर आपको ये जो सा पिंक कलर का नजर आ रहा है पिंक कलर का ये वाला बड़ा सा इसे कहते हैं इसी के अंदर मैं लिख देता हूं इसे कहते हैं लेमा एल ई डबल एम ए कहते हैं लेमा और इसकी अपोजिट साइड पे, जिसने इसको ऐसे बंद किया हुआ इंटरलॉक किया हुआ है, ये भी ये भी एक कवरिंग है ये भी एक ब्रैकेट है इसको कहते हैं पेलिया ठीक है ये लाइन शीत की तरह का ट्रांस ए होता है ठीक है और ये भी कवर और ये भी कवर ये आपस में दोनों आपस ऊपर ऐसे आकर जुड़ जाते हैं बाहर वाला लेमा और अंदर वाला पेलिया ठीक है और उसके अंदर मौजूद है फ्लार ये सारा क्या है ये ये फ्लार फ्लार के ये है जी एंथर्स मतलब कि ये क्यों कौन सा पार्ट हो गया सारा क्या कौन सा पार्ट हो गया स्टेमन तो यहां पर कितने दिख रहे हैं छह स्टेमन तीन इधर तीन इधर और दरमियान में ये आपको ये फैदरी, स्टिग्मा किसका होता है गायनोशियम का होता है ठीक है और इसके अलावा ये इसके अंदर यानी चेस की, ओवरी ठीक है और बाकी एक स्ट्रक्चर बच गया, ये पिंक वाले ये पिंक वाले ये इस तरह से होते हैं तो थोड़ा सा बाहर भी ड्रॉ कर दूं इनको इस तरह से ये एक और ये दूसरा ठीक है ये जो बाहर की तरफ ये मौजूद है इनको कहते हैं लॉडिक्यूल्स दे आर कॉल्ड एज लॉडिक्यूल्स तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको सारे, सारे को समझ लीजिए तो ये एक स्पाइकलेट नीचे वाले दो जो ब्रैकेट्स हैं उनको कहते हैं ग्लूम्स अच्छा और इसके ऊपर रकीला रे, के ऊपर ये दरम्यान में क्या मौजूद है फ्लार ठीक है ये फ्लार इसको कहते हैं फ्लोरेट ठीक है ये पूरा क्या ये ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है फ्लोरेट ये वाला था फ्लोरेट इसको मैंने ओपन किया तो इसके बाहर एक कवरिंग उसे कहते हैं लेमा इसके अपोजिट साइड पर अपोज कर रही है इसको एक और कवरिंग उसे कहते हैं पेलिया ठीक है इसको खोलेंगे तो अंदर क्या निकलेगा फ्लार ठीक है इसका फ्लार है छोटे छोटे स्मॉल कन लेस कन स्पीकुअस इनकन्पिकुअस uh, फ्लावर्स होते हैं इसमें एक से छ ये होते हैं इसके एंड्रोशियम यानी कि स्टेम्स और तीन यूनाइटेड कार्पल्स ये तीन यूनाइटेड कार्पल्स वाली एक ही इसकी एंड गाइनोशियम ठीक है और इसका स्टेगमा जो होता है वो फैदरी ठीक है ऐसे हेयर लाइक ताकि पोल्स को कैप्चर कर सके क्लियर और इसके बाहर अब देखें यहाँ पर आपने कहीं पे सेपल पेटल का नाम नहीं देखा फ्लार के बाहर पार्ट्स होते हैं ना सेपल पेटल वो इसमें नहीं है बल्कि सेपल और पैटल्स आ, उनसे वो फ्यूज फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं और एक शीत की तरह का कवर है ना तो वो बाकायदा तौर पर पेटल है ना वो बाकायदा तौर पर सेपल है तो उसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं लॉडिक्यूल तो चूंकि इसमें ना कैलेक्स है ना कोरोला मतलब ना इसमें सेपल है ना पैटल एक शीत सी है एक कवरिंग सी है जो कि फ्लार के बाहर मौजूद है इंस्टेड ऑफ द कार्पल एंड इंस्टेड ऑफ सेपल्स एंड द कोरोला, उनकी जगह आपके पेटल्स, सेपल और पेटल्स की जगह पे तो उसे वो हैं है लॉडिक्यूल तो ये कवर uh, करती है उसको फ्लार को क्लियर तो इस तरह से ये बंद होगा तो इसको फ्लोरेट को कवर कर लेगी। अब यहां पर एक टर्म है फ्लोरेट व्हाट इज फ्लोरेट तो लेमा पेलिया और फ्लार लेमा ये ये बाहर वाले बड़े वाले कवर और पेलिया उसके ऑपोजिट साइड वाला कवर ठीक है ये शीत और अंदर इसके क्या मौजूद फ्लार इस पूरे को कहते हैं फ्लोरेट ये ऊपर फ्लोरेट और उसके नीचे फिर अभी मौजूद है ग्लूम्स ठीक है और फिर लेमा और ग्लूम्स इनके साथ बाजू का अटैच होते हैं स्टिफ ब्रिस्टल्स जिनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एस ऑनस तो सिटे के साथ वो लंबे लंबे थोड़े से शार्प से जिनसे ये लगे होते हैं इनको ऑन्स कहते हैं ऑन्स ए डब्ल्यू एन एस द स्टिफ ब्रिस्टल्स प्रेजेंट एट द लेमा एंड पेलिया आर कॉल्ड एज एंड टाइम्स द ये जिनसे ग्लूम्स हैं इनके साथ भी अटैच होते हैं तो इनको कहते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑन्स तो दियेंट ये टोटल इनफ्लोरेसेंस है इसकी इस फैमिली की द फैमिली सो होपफुली so ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी तो पूरी ये कंपाउंड स्पाइक छोटे छोटे स्पाइकल से मिलकर बनी एक स्पाइक को ये निकाला इस तरह से और उसको ओपन किया तो ये वाला तो हमने को डिस्कस किया अब हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज फ्लार तो फ्लार के मैंने अक्सर बातें तो आपकी डायग्राम में शेयर कर ही दी लेकिन उसको एज अ टेक्निकल वे में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे फ्लॉर डे स्टूडेंट्स इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से हैं कि फ्लावर इट इज बाइसेक्सुअल बाइसेक्चुअल का मतलब एक ही प्लांट एक ही फ्लार के ऊपर मेल uh, और फीमेल सेक्स ऑर्गेज मौजूद एंड्रोशियम और गलेम मौजूद नंबर टू इट इज ब्रैक्टेट इट इज ब्रैक्टेट ब्रैकटेट का मतलब किसके पास इस, इसके फ्लार में ब्रैकेट्स मौजूद हैं याद होगा अब अभी मैंने आपको बताया तो ब्रैकटेट किसे कहते हैं तो ये फ्लार ऊपर फ्लार है और उसके नीचे ये इसके सेपल्स ये पेटल्स ये गायनोशियम और एंड्रोशियम अगर इसके अलावा फ्लार के अलावा नीचे कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग हो तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट जो भी मैंने डिस्कस किया जो इसके लोअर टू ब्रैकेट्स ग्लूम्स एक और फिर ऊपर दो ब्रैकेट्स हैं लेमा एंड पेलिया तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं ब्रैकटेट फ्लावर ठीक है जिसमें ब्रैकेट्स मौजूद हों इसके अलावा इट इज इनकंसपिक्वस का मतलब ये नजर नहीं आता छुपा हुआ छोटा सा फ्लावर है गंदम के दाने का जो गंदम का जो प्लांट है उसमें छोटे छोटे फ्लॉर्स इनकंसपिक्वस एंड स्मॉल छोटे छोटे ठीक है इसके अलावा दे आर द फ्लावर इज इनकंप्लीट अभी हम देखते हैं कि इनकंप्लीट कैसे है कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या चीजें होती हैं उसमें सेपल्स होते हैं उसमें पेटल्स होते हैं उसमें एंड्रोशियम या फिर साथ में गायनोशियम होता है ठीक है तो इसमें इनकम्प्लीट फ्लावर है क्योंकि इसमें मैंने बताया अभी आपको लॉडिक्यूल्स बताया था इसमें सेपल और पेटल्स नहीं होते हैं इस वजह से इसको इनकम्प्लीट फ्लार कहा जाता है इसके अलावा इसमें इट इज सेसाइल इट इज सेसाइल मतलब कि ये बगैर किसी डंडी के जो फ्लावर है ये मौजूद है ठीक है इट इज सेसाइल और इसके अलावा इट इज हाइपोगाइनस 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 मैंने बताया था आपको कि वो गानोशम उसके अगर यानी कि सुपीरियर ओवरी यहां पर क्या है अभी आपने देखा भी था तो इसके इस तरह से हेरी स्टिग्मा और इसके नीचे से निकल रहे हैं वो स्टेमेंस तो नीचे से निकल रहे हैं मतलब गायनी के नीचे मतलब गाइनोशियम के नीचे से हाइपोकाइलस ठीक है ये फ्लावर है या इसको हम सुपीरियर ओबरी भी कहते हैं ठीक है और सिमेट्रे uh, की बात करेंगे सो इट इजको मोर्फिक इट इजोमोरफिक एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है आप सिर्फ सेंट्रल एक्सिस रखकर सिर्फ इसको दो हिस्सों में تقسيم कर सकते हैं सेंट्रल एक्सिस अलग के मल्टीपल प्लेन्स पे इसको नहीं कर सकते अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इसके फ्लावर के बाकी पार्ट्स की तरफ तो पहली चीज अगर हम देखें तो इसमें होती है द पेरियंथ अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है व्हाट इज पेरियंथ पेरियंथ कहते हैं सेपल सेपल्स यानी फूल के नीचे जो हरी पत्तियां होती हैं सेपल्स और जो कलरफुल पत्तियां होती हैं पेटल्स इनको कलेक्टिवली कहते हैं पेरियंथ इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं पैरियंथ तो वो इसमें नहीं है आपने देखा यहां पे कहीं पे भी आपको नजर नहीं आया तो पेरियंथ इज एबसेंट पेरियंथ किसे कह रहे हैं सेप्पल और पेटल्स को उसकी जगह पर क्या मौजूद है देर आर टू एंड रेयरली थ्री आमतौर पर दो और बहुत कम होगा कि तीन स्मॉल फ्लैशी हेलाइन स्केल्स स्केल्स कॉल्ड उन स्केल्स को क्या कहते हैं जी डी स्ट्रेंड्स क्या कहा था अभी हमने इसको दे आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स दे आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स याद था पिंक कलर में मैंने यहां पर ड्रॉ किए थे तो so यहां पर वो फ्लशी स्केल्स की तरह के मौजूद है दो आमतौर पर दो बहुत कम होगा तो तीन तो चूंकि इसमें सेपल भी नहीं है पेटल भी नहीं है तो एक हेलाइन स्केल की तरह की कवरिंग से वो कवर से मौजूद है ए, स्केल टाइप उसे हम कहते हैं लॉडिक्यूल ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा इसको मार्क कर लीजिए पेरियंथ शॉर्ट क्वेश्चन है लॉडिक्यूल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये तो उसके बाद आ जाए जो सेपल पेटल तो निकल गए अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम एंड्रोसियम, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो उसमें एक से मैंने बताया था आपको, स्टेमेंट्स मौजूद होते हैं बट मोस्टली ऑन एन एवरेज तीन ज्यादातर में तीन होते हैं यहां पर हमने कितने ड्रॉ किए थे याद आपको छह ड्रॉ किए थे छह स्टेमेंट्स तो एक से छे लेकिन आमतौर पर तीन होते हैं ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स में मोस्टली थ्री और इन, इनके जो फिलामेंट्स हैं ठीक है इनके जो फिलामेंट्स हैं वो थोड़े आ, डेलिकेट भी होते हैं ठीक है याद रखिएगा अब आ जाए गायनोशियम पे नाउ गायनोशियम सो so, गायनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आपने देखा आज यूनाइटेड यूनाइटेड पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं पिस्टल या उसको कार्पल भी कहते हैं ठीक है आ यूनाइटेड पिस्टल ऑफ थ्री थ्री कार्पल्स तीन कार्पल होते हैं ठीक है और इसमें स्टिग्मा इज फेदरी ऊपर छोटे छोटे वो परों की तरह बताता -like हैं ताकि ज्यादा ज्यादा से कैप्चर कर सकें pollen grains को okay. और सकेंटेंट uh, इंपॉर्टेंट ये चीज जरा सुनिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है इसका जो फ्रूट है फ्रूट को इसको कहते हैं कैरियोप्सिस द फ्रूट इज कैरियोप्सिस अब कैरियोप्सिस क्या है इसमें फ्रूट वॉल फ्रूट वॉल जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प, इज फ्यूज इज फ्यूज विद सीड कोट एंड इंडसेंट और ड्राई फ्रूट होता है इनका गंदम का दाना आपने देखा आपने मकई का दाना देखा होगा ठीक है तो मकई के दाने को देखें तो वो इस तरह से इस तरह से मौजूद है ठीक है इस तरह से आप ये एक्चुअली ये इसका क्या है ये इसका फ्रूट है ठीक है और आ, इसके ऊपर यानी जो इसका जो दाना है सीड इसके ऊपर सीड कोट होता है सीड कोट और इसके नीचे जो मौजूद है इसकी पैरी वो बिल्कुल आपस में से जुड़े होते हैं मतलब के फ्यूज होते हैं आप इसको लैदा नहीं कर सकते आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसी तरह से आपने गंदुम का दाना देखा है सो गंदम के दाने में भी आप सीड कोट ही कर सकते ढूंढ ही नहीं सकते मतलब उसको कैसे करेंगे सीड कोट आमतौर पर आप देखें सीड कोट को हम लैदा करने की कोशिश करें तो जैसे आम का है आम के ऊपर वो सीड कोट है उसके नीचे उसके वो सीड होता है ठीक है तो कोटिंग आप आराम से अलग कर सकते हैं यहां पर ऐसा नहीं है तो यहां पर सीड कोट बिल्कुल फ्यूज होता है पैरिकार्प के साथ यानी फ्रूट वॉल के साथ आप उसको अलग कर नहीं कर सकते इस तरह का ड्राई फ्रूट और इनमें होते हैं सारे ड्राई फ्रूट आप देखें गंदुम देख लें बाजरा देख लें चने देख लें ये यह यहां से ये यह देख लें इसको मकई को देख लें ठीक है तो ये सारे क्या होता है ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ड्राई इनडाहीसेंट मतलब सख्त ना टूटने वाले और ऐसे फ्रूट को नाम दिया जाता है कैरियोप्सिस का इसको मार कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए व्हाट इज कैरियोप्सिस शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज लॉडिक्यूल शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज पेरियंथ शॉर्ट क्वेश्चन ठीक है व्हाट आर द फेमिलियर प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ तो इकोनॉमिकली मैंने आपसे जिक्र किया था जितनी भी फैमिली हमने पढ़ी उन सब में से इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ये ग्रास फैमिली क्योंकि इसमें ज्यादातर हमारे खाने पीने से रिलेटेड है ठीक है तो इसमें मैन फूड इंसान की खुराक ठीक है इसमें सीरियल्स और मिलट्स इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है सीरियल्स सीरियल्स एंड मिल्लेट्स सीरियल कहते हैं अनाज को आमतौर तो पर अनाज को कहा जाता है जैसे लफ्सी मतलब और मिलट्स कहा जाता है बाजरा वो छोटा छोटा बाजरा जो होता है ठीक है so, सो छोटे छोटे दाने जो होते हैं बाजरे के उसी तरह से तो सीरियल्स और मिलट्स इसी से बिलोंग करते हैं है, मैन फूड और इसमें क्या क्या शामिल है अभी हमने यहां पर लिखा भी इसमें इसको मैं यहां से रेफर करूंगा ठीक है इसमें ट्रिक्टम स्पीशीज और ट्रिटिकम वलगेर दैट इज वीट यानी गंदुम हर इंसान खाता है ऑलमोस्ट जो नॉर्मल इंसान है उसे अगर कोई मसला ना हो हॉर्डियम वलगेर यानी कि बारले जिसको हम जौ कहते हैं बारले जिसको हम जौ कहते हैं इसी तरह से ओराइज़ा सेटाइवा ओराइजा सेटाइवा और टेवा राइस चावल शौक से खाते हैं उसके अलावा सैक्रम ऑफिशनैरम ठीक है इसको जिसको हम शुगर केन कहते हैं गन्ना और गन्ने से क्या बनती है चीनी ठीक है सो दिस इज अवर याद रखिएगा क्यों शुगर इससे बनेगी चीनी हमारी ब्राउन शुगर और वाइट शुगर दोनों इसी से बनेगी और इसके अलावा बहुत सारी जो स्पिशीज जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हैं एवेनास्टाइवा ओट्स भी इसी में शामिल है ठीक है एवेनास्टाइवा जैसे एवेनास्टाइवा जिसको ओट्स कहते हैं ओट्स और बारले में मैंने आपको फर्क बता दिया ओट्स जई को कहते हैं और जो बारले जौ को कहते हैं ठीक है इन दोनों में दिखने में एक जैसे हैं और तकरीबन न्यूट्रिशन कॉन्टेंट भी थोड़ा बहुत मिल यानी कि डिफरेंस है बाकी ठीक है एक जैसा ही है तो लेकिन प्लांट्स स्पीशीज इनकी अलग से ठीक है जनेरा भी लाद से है और इनकी स्पीशीज भी डिफरेंट है तो ये दो डिफरेंट फूड और क्रॉप्स हैं और आपको पता है फिर डियर स्टूडेंट्स इन्हीं की स्टेम ड्राइड स्टेम इन्हीं की द फूड फॉर द कैटल फूड और डोमेस्टिक जितने भी हमारे पास एनिमल्स uh, होते हैं उनका चारा इसी से बनता है इसी फैमिली से बनता है वो कैसे The dried stem and leaves, जो पत्ते होते हैं ठीक है उनको क्रश किया जाता है और उससे फिर पता है ना आपको भूसा बनता है भूसा हम उसको पंजाबी में तूड़ी कहते हैं तोड़ी तो वो उसमें मिक्स करके Uh, उनके इन इनके साथ और वो, वो इनको खाने के लिए दी जाती है तो वो जैसे उनका चारा है ठीक है वो इसी से बनती है ड्राइड स्टेम एंड लीव्स इनको क्रश करने से इसी तरह से कुछ ऑर्नामेंटल भी हैं यानी खूबसूरती के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं इसमें लाइक लाइक द एगरस्टिस लाइक एगरोस्टिस एंड पो एंड एंड्रोपोगन ठीक है इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं और फिस्टिकूला ये सारे ऑर्नामेंटल के तौर पर यानी कि खूबसूरती के एतबार से सजावट के एतबार से इस्तेमाल होते हैं गार्डन्स में मिलते हैं अब आते हैं इनमें से बैम्बू उसकी खास बैम्बू जिसका साइंटिफिक नेम है बैम्बूसा वलगैरिस ठीक okay. बहुत कारामद चीज है बहुत सारी चीजें बनती है से टैचिंग हर्ट्स बनती है। और टैचिंग हर्ट्स कहा जाता है अब ये टैचिंग हर्ट्स क्या होती हैं? आपने देखा होगा पुराने वक्तों में या जो गरीब ममालिक होते हैं वहां पर आ, इन बड़े बड़े स्टेम से काट कर इस तरह से ना सिर्फ प्लांट से बैम्बू को काट के ना उसके एक तो उसके बांस वैसे नीचे जमीन में गाड़े जाते हैं और फिर उसके ऊपर इनके छिलके काट कर और ऐसे एक हट बनाया जाता है इस हट को कहते हैं टैचिंग हट या टैचिंग हट जो भी कहेंगे आप ठीक है वो इससे बनती हैं इसके अलावा इससे जो आ, लैडर्स हमारे यहाँ जो सीढ़ियां बनती हैं वो भी इसी से बनती है बांस से बनती हैं इसके अलावा हैट्स ठीक है ये बनती है इसके अगर उसको पीस कर दिया जाए छोटे छोटे और उसके फाइबर्स निकाल दिए हैड्स बनते हैं और इसके अलावा इसको मुख्तलिफ परपज के लिए मतलब बिल्डिंग मटेरियल के तुमार, उसके एबार से भी इस्तेमाल किया जाता है बैम्बू को और इसके पत्ते जो होते हैं बैम्बू के लीव्स इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर कोल्ड एंड कफ इंसानों के लिए नहीं हॉर्स के लिए घोड़े घोड़े को नजला जुकाम हो जाए खांसी हो जाए तो उसको इसके पत्ते खिलाए जाए तो उसको आराम आ जाता है इससे ठीक है इसके बांस के पत्ते और इसी तरह से चीनी के हवाले से मैंने बात करती वो किससे सैक्रम ऑफिशन से इसी तरह से कुछ विस्की और रम ये एक किस्म की शराब होती है एक होती है विस्की और एक होती है रम हालांकि हमारे मुल्क के अंदर और बींग Muslims इट इज़ prohibited मेडिकली भी देखा जाए तो ये ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदे लेकिन आ, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पर इसको बाकायदा तौर पर पिया जाता है सो so, विस्की ये और रम इन दोनों के सिर्फ सोर्स का फर्क है बाकी प्रोसेस इनका सेम है वाइन बनाने का ठीक है तो इसमें आ, जो मोलास होते हैं मोलासिज ऑफ शुगर केन गन्ने का वो जो फोक वगैरह जो इकट्ठा हो जाता है ठीक है उससे बनती है रम उसकी फर्मेंटेशन के जरिए और उसके बाद जो विस्की है ये बाकी जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं ठीक है ये उनसे बनती है सीरियल से बारले और ओट्स ठीक है जोर जई वगैरह इनसे ये विस्की वगैरह बनाई जाती है और फिर इसको मुखलिफ परपज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से एक है सैक्रम मंजा एक प्लांट है सैक्रम मंजा हम इसको देसी लैंग्वेज में कहते हैं सरकंडा सरकंडा तो इससे बनाई जाती हैं रोप्स बहुत मजबूत रस्सियां बनती हैं इससे ठीक है सैक्रम मंजा ये आ, सरकंडा कहते हैं इसको काने काने जिसको मैंने बताया ना काने वो इसी से सरकंडे से बनते हैं तो इससे इसकी जो स्टेम होती है वो इस तरह से होती है उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं सो रेस्टोरेंट्स इसके अलावा जो बैम्बू है इसको हम बोर्ड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको कार्ट्स बनाने के लिए भी यानी बैलगाड़ियाँ इस तरह की चीज़ें उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा एक और लास्ट में कुछ ऐसे इसमें प्लांट्स भी मौजूद हैं जिसका जिससे हम फ्रेग्रेंस के तौर पर खुशबू के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लेमन ग्रास ठीक है तो लेमन ग्रास जो वहाँ से लेमन ग्रास ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे परफ्यूम्स में बनाने में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसमें इसी को लेमन ग्रास को इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक मेकिंग इन्फ्यूशंस इन्फ्यूशंस इन द सोप इंडस्ट्री तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है सो so होपफुली आज का लेक्चर भी क्लैरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा Allah Hafiz